मैं हूं यशी शर्मा और आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। भिक्षा नहीं शिक्षा दे के संदेश के साथ आज हल्द्वानी में पुलिस और बच्चों से जुड़े सरकारी विभागों की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बच्चों के अभिभावकों के साथ काउंसलिंग हुई है। एसपी हरबंस सिंह ने बताया कि जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा बाल भिक्षावृत्ति को समाप्त करने के लिए 2 महीने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक उन बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है जो बाल भिक्षावृत्ति में इन्वॉल्व हैं, जो बाल भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। पूरे ज़िले द्वारा 188 बच्चों को चिन्हित किया गया है और उनके अभिभावकों से उनसे वार्ता कराई गई है, उनकी काउंसलिंग कराई गई है। जो हमारा द्वितीय चरण है, जो 16 अगस्त से शुरू हुआ है और जो 31 अगस्त तक चलेगा, इसमें रैली के माध्यम से, पंफलेट के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में ये मैसेज देना है कि जो भिक्षावृत्ति है ये सामाजिक अभिशाप है और कोई भी व्यक्ति बाल भिक्षावृत्ति ना दे, और जो बच्चे बाल भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं उनको उनके शिक्षा का उचित प्रबंध हो, उनके पुनर्वास का उचित प्रबंध हो। जो अभियान है ऑपरेशन मुक्ति का, काफ़ी ही एक अच्छा अभियान है। इसमें सबसे अच्छी बात जो है कि पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ, सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ये काम हुआ है, क्योंकि जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है बच्चों के साथ वो पुलिस का ही होता है। तो इसमें हम सबका यही रोल रहता है, हमारे डिपार्टमेंट का ये रोल रहता है कि जैसे सर ने बताया कि अभी 188 बच्चे जो हैं हमारे चिन्हित किए गए हैं, तो हम उनका कैसे भविष्य बेटर कर सकते हैं, उन्हें कैसे पुनर्वासित कर सकते हैं और कैसे और भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आप भिक्षा ना ही दें और ना ही लें। तो इसी पे जो है आज हमारा अभियान था। इसमें लगभग, जैसे कि सर ने बताया, लगभग 700 बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज गया है सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे बाल विकास हो, चाहे लेबर डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, हमारी जो हेल्पलाइन है बच्चों के लिए, चाइल्ड हेल्पलाइन, तो सब ने मिल के कि अच्छा प्रयास करा है। और अगर इससे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है पूरे समाज में ही जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम व्योमा जैन, प्रोबेशन अधिकारी।